really beautiful. It's an avalanche. Hello everyone, this is Dr. Dark, final year MBBS student in IGMC Shimla, and this is going to be my first vlog on this channel. So abhi ek baje hai din ke. So this is my way to college. I'm going to attend my evening clinics, which is from 2 o'clock. I am posted in pediatrics department, in which they have divided us in two groups of 13 and 12 students each. So normally मुझे कॉलेज पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, but आज शायद आधा घंटा भी लग सकता है. वैसे ये 2021 की पहली बर्फबारी है, तो जब तक मैं कॉलेज पहुंचता हूँ आप लोग रास्ते का मजा लो. So finally we have reached college. मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज आएगा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है. इतनी ज़्यादा बर्फ में वैसे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, गाड़ियाँ तक फंस जाती हैं, इसलिए कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता. वैसे मैं यहाँ अपनी एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, अगर वो भी नहीं आएगी तो मैं भी घर चला जाऊँगा. इधर देख. चलो फाइनली कोई तो आया, अब हम दोनों क्लास लगा तो सकते हैं. It's really beautiful. It's an avalanche. Woo! Oh God. Woo! So she's going to help me in the vlog. तो अभी हम pediatrics ward जा रहे हैं. वैसे तो कोई आया नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ हो रखी है यहाँ पे. मुझे नहीं लगता आज क्लास हो पाएगी, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है और बस हम दोनों भटक रहे हैं. अभी हमें 4th floor पे जाना है, क्योंकि जो पीडियाट्रिक्स बोर्ड है वो 4th floor पे इसमें जाना है. तो अभी हम अपने सर को ढूंढने जा रहे हैं, एक क्लास ले ले. लगता है क्लास होगी क्या? क्लास तो नहीं हो रही है, बट हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़े बहुत केसेस खुद से देख लेते हैं. सो गाइस, टाइम टू वियर एन एप्रन. सो दिस इज अ 7-year-old मेल चाइल्ड प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन इन द राइट साइड सिंस 4 days, which was associated with dyspnea. Dyspnea means difficulty in breathing. Also, there is a history of weight loss, evening rise of temperature and night sweating. इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम उसकी एग्जामिनेशन करना शुरू करते हैं, और इंस्पेक्शन पर हमें पता चलता है कि जो उसका राइट साइड का डिफरेंशियल चेस्ट एक्सपेंशन है वो डिक्रीज्ड है, और परकशन पर हमें मिलता है स्टोनी डल नोट. ऑस्कल्टेट करने पर हमें राइट साइड ऑफ द चेस्ट पर डिक्रीज्ड वेसिकुलर साउंड सुनाई देती है.
और ये सारी पॉजिटिव फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, और प्लूरल इफ्यूजन के कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं, जिन्हें हम ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव कॉजेज में डिवाइड कर देते हैं। बट इन मल्टीपल कॉजेज में से हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बनाना पड़ेगा, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक हम तब पहुंचे जब हम अपने पास्ट हिस्ट्री में गए, जहां एक की पॉइंट दे रखा था, दैट इज वन ऑफ द पेशेंट्स अंकल इज ऑन ATT इनटेक फॉर 6 months, एंड दिस इज द चेंजिंग पॉइंट इन दिस केस विच डाइवर्ट ऑल ऑफ दिस सिनेरियो टुवर्ड्स ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, एंड टू कोरोबोरेट आर डायग्नोसिस वी लुक एट एक्सरे, ऑन दैट वी फाउंड होमोजिनस ओपेसिटी इन राइट लंग एंड ऑब्लिट्रेशन ऑफ CP एंगल सजेस्ट प्लूरल इफ्यूजन। If you are confused with pleural effusion, then pleural effusion means collection of serous fluid in the pleural cavity. Pleural cavity is the covering of lung. So this is the second case of 9-month-old female child presented with seizures for 3 months. और इस पेशेंट की हिस्ट्री में जो की पॉइंट्स मुझे मिले वो थे काउज मिल्क इनटेक एंड सेकंड इज पुअर सनलाइट एक्सपोजर, और इन दोनों पॉइंट्स की वजह से मैंने अपना स्पॉट डायग्नोसिस हाइपोकैल्सेमिक सीजर्स बनाया, बिकॉज काउज मिल्क इज डिवॉइड ऑफ कैल्शियम एंड इफ देर इज लो सनलाइट एक्सपोजर देन देर इज लेस फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल बाइंडिंग प्रोटीन विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टीन। तो अभी हमने क्लास ख़त्म कर लिया, जो वैसे क्लास थी नहीं क्योंकि कुछ हुआ नहीं उसमें, बस हमने एक दो केसेस देखे, पर अब हमें भूख लगने लगी है तो हम कुछ खाने के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अभी इस बर्फबारी में। ऑन आवर वे वी फाउंड दीज ब्यूटिफुल क्रिएचर्स। हेलो बॉयज, एंड यस आई लव डॉग्स। Why are you doing this, huh? This is not scripted. और हाँ, ये वही टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ सारे टूरिस्ट आकर अपनी फोटोज खिंचाते हैं। So time to satisfy our appetite. So now we are here in Wake and Bake. इस सफेद जन्नत को कोई कैसे प्यार ना करे। Do you like coffee? But I like to click pictures. आप पिज्जा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे वैसे? After getting scammed, we decided to revise some of the topics related to what we have seen today in the clinics. Here we have mainly discussed tuberculosis and its newer regimen. We just met our teachers from whom we were running in like clinics. अपनी फ्रेंड को हॉस्टल छोड़ने के बाद जब मैं वापस जा रहा था, आई मेट दिस गाय। ही इज वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर फ्रॉम शिमला। हिज चैनल नेम इज ड्राक्टा जी। भाई मुझे बहुत डार्क कंटेंट लग रहा है भाई का, बट कोई नहीं गाइस, डू वॉच हिज कंटेंट, मैं भी घर जाके देखूंगा। ओके, तो एज अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ मेडिकल। इफ यू वांट टू वॉच हिज वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आज का दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं रहा क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है और क्लास भी नहीं हुई है, बस मैं दो केसेस ही देख पाया। सो लेट्स एंड दिस ब्लॉग हियर, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।